जैसा कि हमने देखा उस धारावाहिक में आपके जो पहले पति थे जी, तो उनके साथ आपके रिश्ते कैसे खराब हुए, जो आपको उन्होंने छोड़ा या आपने उनको छोड़ा, कि आप अपना ये जो पर्स है जी हमेशा अपने साथ लेके क्या चलती है, मतलब इसके अंदर क्या चीज ऐसी जो आप समाज से छुपाना चाहती हैं, इसके अंदर एक ऐसी क्या खास बात है जो इसको आप हमेशा अपने साथ रखती हैं, कि अनुपमा जी ने देश के कल्चर को बिगाड़ा है जी, या अनुपमा जी ने यंगस्टर्स को बिगाड़ा है, ऐसा आप भी सुनते होंगे जगह जगह, क्योंकि बीच में मैंने देखा था ट्रेंड चला था आपका बहिष्कार भी किया गया, तो ऐसे में कितनी परेशानी होती है आपको? हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग की दुनिया की पॉडकास्ट पर। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ, बिंदास कैरेक्टर के साथ, इस पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग लोकप्रियता हासिल की है। तो बिना किसी देरी के हम आपको मिलवाते हैं उस बेहतरीन और बेहिसाब शख्सियत से। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेमिसाल कैरेक्टर को निभाने वाली अनुपमा जी का। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण। तो मैम, आज आप आई हैं ब्लॉगिंग की दुनिया के पॉडकास्ट पर जी, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मैम, खुशी किस लिए हुई? अभी तो हमारी कुछ बातें भी नहीं हुई आपसे। मैं नाचूं, गाऊं, कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या? नहीं मैम, हमको कुछ नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ लेना है आपसे। आपकी ऑडियंस को भी कुछ नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। नहीं, वो तो हमने देखा नाटक में, आप कितने आत्मनिर्भर हैं। आप 2 मिनट में चीजें बदल देती हैं। जी, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, समझिए भी मत, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे जी, कहिए, ये कैरेक्टर करके आपको कैसी फीलिंग आई? ये कैरेक्टर करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस कैरेक्टर में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी और करी जो मेरी देश की माता और बहने कर रही हैं। तो अनुपमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे जी, क्या आपने इस कैरेक्टर को चूज करने से पहले इस पूरे नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ी थी? जी हाँ, मैंने इस नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ी थी। अच्छा, तो इसका मतलब आपको 2-2 लेने का शौक है? सॉरी, मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, आप समझिए मत, तभी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, तो अनुपमा जी, एक खास बात और मैंने इस कैरेक्टर में देखी जी, आप बहुत जल्दी स्विच कर देते हैं चीजों को। स्विच? समझी नहीं। स्विच से मतलब है जैसे एक लाइट होती है, एक स्विच हुआ, आपने बंद करा, अंधेरा हुआ, जलाया, उजाला हुआ। तो अनुपमा जी, ये जो नाटक है आपका जी, और धारावाहिक है जो आपका जी, तो इस धारावाहिक को देखने के बाद भारत की जनता के अंदर बहुत सारे सवाल है जी, और उन सवालों में से कुछ सवाल मेरे पास आए जी आपसे पूछने के लिए जी। तो मेरा आपसे एक सवाल और है कि आप अपना ये जो पर्स है जी हमेशा अपने साथ लेके क्या चलती है, मतलब इसके अंदर क्या चीज ऐसी जो आप समाज से छुपाना चाहती हैं, इसके अंदर एक ऐसी क्या खास बात है जो इसको आप हमेशा अपने साथ रखती हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी जी, जी, कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जी, और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि ये प्रश्न मेरी भारत की जनता ने मुझसे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, उनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और रही बात इस पर्स की, तो इस पर्स में मेरा आत्मसम्मान है, बहुत भारी है आपका आत्मसम्मान। मेरा साथ मेरे घर वालों ने छोड़ दिया था, मेरे खुद के पति ने छोड़ दिया था, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया था, तब इस पर्स ने मेरा साथ दिया था। मैं मतलब कुछ समझा नहीं अनुपमा जी, आपको उसके लिए धारावाहिक देखना पड़ेगा। नहीं, वो ठीक है, वो तो हम देख लेंगे, मैंने देखा भी है, लेकिन आपने कहा कि जब आपका पूरा परिवार और आपके बेटे, आपका पति सब कुछ आपको छोड़ चुके थे जी, तब इस पर्स ने आपका साथ दिया, मतलब इस पर्स ने आपका किस प्रकार से साथ दिया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारी जनता को। मैं जब भी इस पर्स को लेकर निकलती थी जी जी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरा आत्मविश्वास है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा उस धारावाहिक में आपके जो पहले पति थे जी, तो उनके साथ आपके रिश्ते कैसे खराब हुए, जो आपको उन्होंने छोड़ा या आपने उनको छोड़ा? मैं सबसे पहले
ये मानती हूँ कि कोई भी स्त्री, कोई भी महिला, उसके लिए उसका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और यदि वो आत्मसम्मान ही खो जाए तो फिर समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इमोशनल ना हो, समझ सकते हैं चीजों को, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभार जो, जैसे मैंने देखा कि आप उस धारावाहिक में बहुत जगह, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा भावुक हो जाती हैं जी, जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं जी, आपको कोई भी हाथ लगाए जी आप गीली हो जाती हैं आंखों से जी। तो मैं इस क्वेश्चन को यही छोड़ना चाहूंगा, और चलिए ठीक है, आदमी इमोशनल हो जाता है, समझ सकते हैं, लेकिन अनुपमा जी आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी जो शायद मैं कहीं देखना ना चाहूं। जैसे? जैसे कि आपको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी हाथ लगाए आप गीली हो जाएं आंखों से। जी नाम तो मैं अपने पहले पति का भी नहीं रखती याद, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी इस अनुपमा नाम के पीछे एक ही मकसद था, क्योंकि वो एक माँ है। अच्छा, अनूप प्लस माँ, ओके ओके ओके। तो अनुपमा जी, जैसा कि हमने देखा जी, उस धारावाहिक में आपके दो पति थे जी, पहले का नाम शायद बलराज जी और दूसरे का नाम अनुज था जी। तो आपके ये जो दो पति थे जी, इनमें से जी सबसे ज्यादा आपको किसने दिया? सहयोग की बात कर रहा हूँ, गलत मत लेके जाइएगा जी। सहयोग सबसे ज्यादा मेरा अनुज जी ने किया, क्योंकि उन्होंने मुझे समझा, वो मेरे कॉलेज के मित्र थे और वो मुझे तब से जानते थे, तो उनको पता था कि मुझे नृत्य कितना पसंद था जी। ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर जैसे कि हमने देखा आपने अनुज को बाद में चुना जी, तो अनुज आपकी लाइफ में पहले ही क्यों नहीं आए? वो कहते हैं ना, जो चीजें होनी होती हैं वो वक्त के साथ होती है, तो बस वो चीज भी वक्त के साथ ही है। सही बात है, जैसा कि अभी हम बैठे हैं, मैं पिछले दो महीने से आपको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आपका जो करेक्टर है अपनी ऑडियंस के साथ उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज देखिए कैसा दिन बना कि आज हमारे पॉडकास्ट पर आप आए जी, जी। तो आपका जो स्वभाव है काफी सरल और सहज है जी, मैंने हमेशा देखा है आप वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाते हैं जी, आप अपना हमेशा इंडियन कल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये सारी चीजें मैंने देखी। तो लेकिन आपने उस धारावाहिक में आपने वेस्टर्न, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है शायद ना, एक तरीके से आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक का करा काम, और मतलब आप समझ सकते हैं और बाकी मेरी ऑडियंस समझदार है, तो मैं खुल के नहीं पूछना चाहूंगा, आप बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं था उस नाटक में, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपनी ऑडियंस को एक संदेश देना चाहती थी जो मैंने दिया। और कहते ना, हम कलाकार एक कठपुतली होते हैं, हमारे शब्द भी हमारे नहीं होते, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। अच्छा, कि धारावाहिक में तो पर्सनली उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने बलराज से तलाक लिया, फिर अनुज के साथ शादी करी, फिर वहीं आपके बेटे भी शादी कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आप इसका कितना साथ देंगे जी। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है आपका, पर अभी जैसे मैंने आपके पिछले क्वेश्चन का भी जवाब दिया कि हम एक कलाकार होते हैं, हमारे शब्द भी हमारे नहीं होते, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। नहीं, ये कुछ मैंने ऐसी पर्सनैलिटी देखी है लोगों की जी, कैरेक्टर को करते करते उस कैरेक्टर में वो इतना मतलब लीन हो जाते हैं कि रियल लाइफ में आकर भी वो उन चीजों को अपनाते हैं। तो क्या कभी आप ऐसा करना चाहेंगे जैसा कि हमने धारावाहिक में देखा? जी नहीं, वो धारावाहिक है एक, वो एक मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, वो वहीं तक सीमित रहेगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हूँ अपने पति और अपने बच्चों के साथ। देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जी कि अनुपमा जी ने देश के कल्चर को बिगाड़ा है जी, या अनुपमा जी ने यंगस्टर्स को बिगाड़ा है जी, ऐसा आप भी सुनते होंगे जगह जगह, क्योंकि बीच में मैंने देखा था ट्रेंड चला था जी, आपका बहिष्कार भी किया गया जी। तो ऐसे में कितनी परेशानी होती है आपको मतलब अपना उतारने के लिए? ये तनाव की बात कर रहा हूँ मैं, तनाव उतारने के लिए। परेशानियाँ हर एक व्यक्ति के अंदर आती हैं, परेशानियाँ हर एक व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। जैसे आपने भी झेली दो दो परेशानियों की बात कर रहा हूँ जी जी। तो मैं बस यही कहूँगी कि वो इंसान ही क्या जिसने परेशानियाँ ना झेली। तो हम कह सकते हैं कि आप झेल झेल करके पक चुके हैं जी। चलिए ठीक है, तो खैर मजा काफी आया आपके साथ बात करने में, और आ भी रहा है जी। मन कर रहा है कि आपको छोड़े ना, आपको लेके चले जी कहीं और दूसरे पॉडकास्ट पे, क्योंकि हमारे दोस्त यहाँ हैं जी, काफी आपको बुलाना भी चाह रहे हैं जी। तो अनुपमा जी जी, आपके साथ बात करके मुझे काफी अच्छा लगा जी, और मैंने बहुत बार सोचा कि आपको
आप आएंगे तो मैं कैसे सवाल करूं आपसे, क्योंकि आपका जो स्वभाव है बिल्कुल सहज है जी। तो मैंने बहुत अपनी चीजों को मतलब बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया कि कहीं मैं बाउंड्री को थोड़ा सा पार न कर पाऊं जी। तो आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बताइए कि आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने शेड्यूल में से आपका समय निकाल कर आपको मैंने समय दिया जी जी जी, और मुझे खुशी है कि आप मुझे आगे भी बुलाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। इसी तरह हम वार्तालाप करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। बहुत चलिए, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।